गरीब वर्सेस अमीर का स्विमिंग पूल। इंदौर में चुन्नी लाल नाम का एक धनवान रहता था। उसके दो बेटे थे, प्रज्वल और उज्जवल। उनमें प्रज्वल को अपने बाप ही की तरह अमीरों के साथ ही दोस्ती करना और गरीबों को तुच्छ समझना ऐसा ही करता था। पर उज्जवल ऐसा नहीं था, वो गरीबी को ना देखते हुए साहू से दोस्ती करता था। एक दिन उज्जवल और साहू गांव के झील में साहू के पिताजी गणेश से तैरना सीख रहे थे। वहां दोनों वहीं पर खड़े भैंस के ऊपर चढ़ के गोता मारते थे। तभी अपने कार में उसी रास्ते से गुजरते हुए चुन्नी लाल ने ये सब देखा और अपने कार को रोका। फिर प्रज्वल के साथ वहाँ पहुँचकर चुन्नी लाल, अरे गधे, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे लोगों के साथ ना मिला करो, और ये तुम क्या उस भैंस के ऊपर चढ़कर क्यों गोता मार रहे हो? मैं गणेश चाचा से तैरना सीख रहा हूँ, यही हमारा स्विमिंग पूल है और ये भैंस मेरे दोस्त है। पिताजी, आप चाहिए जितना मर्जी कहो, इसके दिमाग में बात नहीं बैठने वाली। वो हमेशा इन गरीबों के साथ ही घूमता रहेगा। ऊपर से ये जानते हुए भी कि आगे स्विमिंग कंपटीशन है, वो सीरियसली नहीं है पिताजी। साहब, आप चिंता ना करो, ये दोनों स्विमिंग कंपटीशन के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। मैं ही सिखा रहा हूँ, उज्जवल बेटा कब जरूर जीतेगा। हाँ पिताजी, गणेश चाचा बहुत टैलेंटेड है। ये इस झील के आर पार 10 बार बिना रुके तैरते हैं, जानते हैं आप? बंद करो अपनी बकवास, बड़ा आया भैंसों का ट्रेनर। चुपचाप घर पहुँचो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कहकर कार में बिठा कर उसे ले गया। अब घर जाकर चुन्नी लाल ने एक एयर प्लास्टिक स्विमिंग पूल को खोल कर दिखाया। उसे देखकर प्रज्वल देखा पिताजी, हैरान हो गया है। बड़ी मेहनत से जो हम दोनों ने स्विमिंग पूल लेकर आए हैं, उसे देखकर ये हैरान हो गया है। देखो बेटा उज्जवल, हम धनवान हैं, समाज में हमारी इज्जत है और हमारी हैसियत है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम उन गरीब बच्चों के साथ खेलो। तुम आज से इस रिच स्विमिंग पूल में ही तैरना सीखो। इतना ही नहीं, जो प्रतियोगिता का आयोजन सरकार कर रहा है, उसमें तुम दोनों जीत कर मेरा नाम रोशन करना चाहिए। जहाँ तक जीतने की बात है, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ, पर बेचारे इस प्रज्वल को देखकर मुझे बहुत तरस आता है। आप जो स्विमिंग पूल लेकर आए हो, इसमें वो प्रैक्टिस करके वो कहाँ जीतने वाला है? और रही बात गरीबों के साथ दोस्ती करने की, वो मेरी मर्जी है, मुझे वो पसंद है, इसीलिए मैं उनसे दोस्ती करता हूँ। आप चाहे जितना मर्जी टोको, मैं गणेश चाचा के पास ही स्विमिंग सीखूंगा। तभी वहाँ चुन्नी लाल की पत्नी दीपा पहुँची। क्या हो गया, बाप बेटों में किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? तब उज्जवल ने जो कुछ हुआ वो सब बताया। ये सुनकर दीपा ली, देखो जिसे जहाँ मर्जी प्रैक्टिस करना है करो, प्रतियोगिता में परिणाम तो निकलेगा ही, तब पता चल जाएगा कि किसने सही सीखा है और किसने नहीं। अगले दिन से प्रज्वल चुन्नी लाल के कोचिंग में अपने अमीर स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहा था, और उज्जवल और साहू गणेश की ट्रेनिंग लेते हुए झील में प्रैक्टिस कर रहे थे। चुन्नी लाल अपने घर के स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करते हुए प्रज्वल को देखते हुए, मारो बेटा, हाथ पैर खूब मारो, अच्छी तरह तैरो, ऐसे हाथ पांव मारो कि स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर निकल आए। उस उज्जवल को हारना चाहिए और वो मुझे आकर मुझे माफ कर दो पिताजी, अब से मैं आप ही की बातें मानूंगा, कह के रोना चाहिए। जरूर कहेगा पिताजी, जरूर माफी मांगेगा, अब बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं उसे हराऊंगा। मुझे पानी में अच्छी तरह तैरना आ गया पिताजी, बस यूं समझो कप मेरा ही है। हाँ, तुम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करना बेटा, जरूरत पड़े तो स्विमिंग पूल का सारा पानी कैसे पीना चाहिए वो भी प्रैक्टिस कर लो। तभी वहाँ आए उज्जवल, अगर ये स्विमिंग पूल का पानी पी गया तो फिर से पानी भर देंगे स्विमिंग पूल में। वैसे एक बात बताऊँ, स्विमिंग का मतलब ये मेंढक की तरह हाथ पांव मारना नहीं है, मछली की तरह तैरना है। पिताजी, आप जो इसे सिखा रहे हैं, लगता है वो स्विमिंग पूल में जाकर पानी में डूबते हुए मुझे बचाओ कह के चिल्लाने वाला है। बेहतर ये होगा कि आप उसे यूं चिल्लाना प्रैक्टिस करने के लिए कहो। अरे बकवास बंद करो, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, यहाँ मुकाबला है गरीब वर्सेस अमीर स्विमिंग पूल का, देखते हैं कौन जीतता है। कुछ दिनों बाद सरकारी स्विमिंग पूल में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। प्रतियोगिता में साहू, उज्जवल, प्रज्वल और कई बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। मुकाबला शुरू हुआ तो प्रज्वल डूबने लगा और हाय, मुझे बचाओ कह के चिल्लाने लगा। ये देखकर कुछ लोगों ने प्रज्वल को बचाया।
उज्जवल और साहू मुकाबला जीत गए। तब अपने कप चुनीलाल को देते हुए, देखा पिताजी, हुनर के लिए कोई अमीर या गरीब नहीं होता, ये कप आप ही का है, कहकर अपने पिताजी को कप दिया। तब चुनीलाल गणेश से, भाई गणेश, हमारे प्रज्वल को भी अपने इस गरीब स्विमिंग पूल में अच्छी तरह ट्रेन करो, अब अगर वो भैंस के ऊपर चढ़ा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तब गणेश मुस्कुराया और जरूर साहब। सौतेली माँ की रोटी। मरकापुर नाम के गांव में परंधाम नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया तो उसने देवी से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी की बेटी थी गुड़िया, पाछू दूसरी पत्नी का बेटा था। दोनों हर रोज पिताजी के रिक्शे में ही स्कूल जाते थे और वापस लौटते थे। एक दिन देवी ने पाछू को ढेर सारे रोटी दिए, पर गुड़िया को उसने सिर्फ एक रोटी दी। माँ, बहुत भूख लगी है माँ, एक और रोटी दो ना। माँ, मेरे पेट पड़ जाएगा, इतना रोटी मैं नहीं खा सकता, उसे कुछ रोटी दे सकती हो ना बिचारी। तुम चुप कर, तेरा नजर लग गया, इसीलिए मेरा बेटा ठीक से खा नहीं रहे, रोटी वोटी कुछ नहीं, अब दफा हो जाओ। बेचारी गुड़िया कहकर रोती हुई वहाँ से चली गई। एक दिन परंधाम को दिल का दौरा पड़ा और उसने खटिया पकड़ ली। डॉक्टर ने जांच किया और इसका बाईपास करना होगा, 10 लाख रुपए खर्च होंगे, जल्दी इलाज नहीं कराया तो जान को खतरा है। पिताजी, मुझे बहुत डर लगता, आपको कुछ हो गया तो? आपके पास घर है ना, जमीन भी है और रिक्शा भी, उन्हें बेचकर आप ऑपरेशन करा लो पिताजी। अच्छा, उसे बेचोगे? अरे मैंने शादी की तुमसे इसी के लिए, मैं बेचने के लिए राजी नहीं हूँ, जिसके किस्मत कितना जीना लिखा है उतना ही जिएगा ना। देवी, वो बेचारी बच्ची है, वो क्या जाने, मैं कितने बार कह चुका हूँ कि बच्चों में भेद ना करो, तुम गलत कर रही हो। अच्छा, बेटी को कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया? हाँ, वो छोटी बच्ची नहीं है, उसकी बातें सुनी तुमने, जमीन बेचना चाहते हैं। सुनो री गुड़िया, अब तक तेरा बाप के कमाई से घर चल रहा था, अब से तुम कमाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बाप को खाना नहीं मिलेगा, भूख से मरेगा, बल अटल जाएगा। ऐसे ना कहो माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे तुम पढ़कर कौन सी कलेक्टर बनने वाली हो, अरे तुम्हारा फीस कौन भरेगा, तेरा बाप देखो कैसे काट पर पड़ा है। जब पाचू को फीस भर सकते हो, मेरे फीस क्यों नहीं भर सकते हो माँ, प्लीज माँ, मैं भी स्कूल जाती हूँ। तब देवी को गुस्सा आया और गुड़िया के बाल पकड़कर उसके पीठ पर मारती हुई, तेरी जबान बहुत चलने लगी है कलमोई, नौकरी लगे तभी तुम घर आना, नहीं तो मेरे हाथों मरोगी कमीनी, कहकर उसे मारने लगी। परंधाम ये देखकर बहुत दुखी हुआ। गुड़िया नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकली और उसे एक लॉटरी की दुकान दिखाई दी। उस लॉटरी दुकान पर जाकर उसके मालिक से नौकरी मांगा। बेटे, इतनी छोटी सी बच्ची को नौकरी पर रखा तो सब मुझे डांटेंगे, जाओ कहीं और नौकरी ढूंढ लो। सर ऐसे ना कहो, मैं अपनी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये नौकरी की बहुत सख्त जरूरी है। यूँ उस दुकानदार ने उसे नौकरी पर रख लिया। गुड़िया हर रोज दुकान को झाड़ू लगाती, टेबल साफ करती, ग्राहकों को चाय पिलाती और लॉटरी टिकट्स बेचती थी। ये देखकर मालिक बहुत खुश होता था। घर पर पिताजी को गुड़िया ही खाना खिलाती थी। नौकरी कर रही हो इसीलिए चुप हूँ, कल तनख्वाह मिलते ही लेकर मुझे दे देना, नहीं तो कमर तोड़ दूंगी। अगले दिन मालिक, ये लो बेटी तुम्हारा तनख्वाह, पर 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो मैं कल दे दूंगा, तब तक ये 10 रुपए का लॉटरी टिकट तुम अपने पास रखो। घर पर देवी गुड़िया को थप्पड़ मारते हुए, 10 रुपए के बदले लॉटरी टिकट लाई हो, तुम्हारी ये मजाल, किससे पूछकर तुमने ये काम किया?
ने कहा था वो 10 रुपए कल दे देंगे, तब तक इस लॉटरी टिकट को मेरे पास रखने को कहा। कल उसे लौट कर मैं 10 रुपए लाकर दे दूंगी। मुझे ना मारो माँ, कहकर रोने लगी। अगले दिन अखबार लेकर मालिक दौड़ता दौड़ता उसके घर आया। गुड़िया, अरे गुड़िया, तुम्हारे लॉटरी टिकट लग गई है और तुम्हें 10 करोड़ रुपए का इनाम मिला है, बधाई हो। ये सुनकर देवी चौंक गई। वो टिकट मेरा नहीं है सर, वो आपका है। वो 10 करोड़ आपका है सर, ये लीजिए टिकट, मुझे मेरे 10 रुपए दे दीजिए, वही काफी है। देवी, मैं सबको कहते हुए सुना है कि तुम कैसे इस गुड़िया पर जुल्म ढा रही हो, इतनी प्यारी बच्ची को मारती हो, तुम इंसान हो या जानवर? गुड़िया बेटी, तुम्हारी ईमानदारी को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। तुमने 10 करोड़ को ठुकरा कर 10 रुपए मांगा, कितनी फिराक दिल हो तुम। नहीं बेटे, मुझे नहीं चाहिए, जो है मैं उसी में खुश हूँ। उन पैसों की तुम्हें जरूरत है, अपने पिताजी को बचाना है। मना मत करना बेटी, वो पैसे तुम ले लो, मुझे तुम पर गर्व है। काश मेरी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी होती। ये बात सुनकर देवी की आंखें भर आई। उसने तुरंत गुड़िया को अपने आहोश में ले लिया और रोने लगी। मुझे माफ कर दो ना बेटी, मैंने इन हाथों से तुमने मारा, भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। कहते हैं सौतेली माँ माँ से भी बड़ी होती है, पर मैंने तो अपने पति को ही दूध करा, मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसे ना कहो माँ, मैं नहीं जानती कि मेरी माँ कैसी थी, पर तुम ही मेरी माँ हो। आई लव यू माँ। उन पैसों से परमधाम का इलाज कराया, फिर एक बड़ा सा घर बनाकर सब उसी में खुशी खुशी रहने लगे।